स्टूडेंट कहते हैं मेरे को कि सर अब जब हमने रुकना है तो क्या हम क्लच बिना दबाए एकदम ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी तो रुक जाएगी लेकिन गाड़ी साथ में बंद भी हो जाएगी। क्लच दबाने से क्या होता है, गाड़ी हाफ न्यूट्रल हो जाती है, क्लच ने अपना काम कर दिया। और ब्रेक लगाने से क्या होता है, गाड़ी को ब्रेक गाड़ी के टायरों को रोक देता है। इसलिए क्या करना होता है, क्लच दबा के ही ब्रेक लगानी होती है। ठीक है, कभी भी रुकना है पूरा क्लच दबाया, जब पता है आपको कि 10 फीट के पास गाड़ी खड़ी है जाम लगाए तो पहले ही क्लच दबा लो पूरा ऐसे, और जैसे आप उसके पास पहुंचे आप रोक दो। अब रही जजमेंट की बात, जाम में जजमेंट की बात, ये जरूरी नहीं है ये चिपक के चले किसी के साथ, पूरा चिपक के चलना है, बम्पर के साथ बम्पर चिपकाना है, नहीं ये जरूरी नहीं है। थोड़ा सा गैप रखो भाई, अगर बाई चांस आपको रिवर्स करना पड़ गया, उस बंदे को रिवर्स करना पड़ गया तो थोड़ी तो जगह होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा गैप रखना है नंबर वन कि गाड़ी में गैप होना जरूरी है। और दूसरी बात है, आप जजमेंट की बात करते हैं कि हमारी गाड़ी कितने दूर है अगले गाड़ी से। आप कई बार बोलते हैं भैया ये तो छोटी गाड़ी है, हम बाई चांस बड़ी गाड़ी चलाएंगे कोई जिसका बोनट लंबा होगा, तो हम कैसे अपने आप को जजमेंट बनाए। अगली गाड़ी के आप आगे जा रहे हो, आपसे आगे ट्रक है, आपने देखा आपको ट्रक के टायर दिखने चाहिए, इतने दूर गाड़ी रखनी है आपने, आपने जहां बैठे हो उसके ट्रक के टायर दिखने चाहिए आपको, तो आपकी जजमेंट है वो, इतना दूर इतना फासला रखना है कि हाँ पिछले टायर मेरे को दिख रहे हैं यहाँ है तो इतना दिखना चाहिए, इतना दूर रहना है आपने। ये नहीं कि आधा बोनट उसके नीचे घुसा दो, उसके बाद उसने थोड़ी सी रिवर्स की उसको करनी पड़ेगी गाड़ी ठुक जाएगी। तो ये चीजों का ध्यान रखो, हमेशा लेफ्ट चलो, ब्रेक की जरूरत नहीं है तो पांव ब्रेक पे रखो। ठीक है, जब रुकना है तो पूरा क्लच दबा के ही ब्रेक लेनी है, ये बात ध्यान रखना। और जब भी गियर लगाना है, आप लोग इतनी गलतियां करते हो, गियर ऐसे खींचते हो इतना जोर लगाते हो गियरों पे, भाई गियर खराब हो जाएगा, आप लोगों का गियर का जो बॉक्स होता है वो खराब हो जाएगा। कभी भी गियर लगाना है पूरा क्लच दबा के ही गियर लगेगा, ये नहीं कि बस घुसा दिया सीधा तो हो गया काम। ठीक है, और जब भी गियर लगाना है, मैंने गियर की वीडियो अलग से डाली है, उसमें देख लो गियर कैसे लगता है। अब आपको गियर लगा के दिखाता हूँ कैसे लगता है, कितने स्पीड पे लगता है, मैंने पहले ही बताया, तो गियर पे फोकस रहेगा। ये मैंने लिया रेस और मैंने थर्ड लगा लिया, पूरा क्लच दबाया थर्ड लगा लिया, फिर मैंने थोड़ी सी रेस ली, फिर वापस मैंने पूरा क्लच दबाया और फोर्थ लगा लिया, फिर थोड़ी सी रेस ली, फिर फाइव, ऐसे करके न्यूट्रल आए और ऐसे कर दिया, फाइव हो गया। समझे बात को, दोबारा समझाता हूँ, रोक के ये रोक की मैंने पूरा क्लच दबाया और ब्रेक ले ली, ये गाड़ी न्यूट्रल है, मैंने पूरा क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, गियर लगाते समय, फर्स्ट गियर लगाते समय जब गाड़ी का गियर की फर्स्ट गियर लगाया तो फर्स्ट गियर की सिर्फ इतना होता कि 10 फीट तक आपको क्लच पूरा नहीं छोड़ना होता, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाती है। ये देखो, और यहाँ हिमाचल है, नीचे नहीं है प्लेन, क्लच छोड़ा गाड़ी चल पड़ेगी। आपको मैं एक बात और बता दूं, क्लच नहीं छोड़ना है मतलब ब्रेक नहीं छोड़नी है क्लच से पहले। इधर देखो, पहले थोड़ा क्लच छोड़ा, वाइब्रेशन तक क्लच छोड़ा, ये देखो वाइब्रेशन तक क्लच छोड़ा, फिर ब्रेक छोड़ी हल्की सी, हल्का सा हिला, ये चली 10 फीट, ये 10 फीट होगी, पूरा क्लच छोड़ दो गाड़ी बंद नहीं होगी, फिर पूरा क्लच दबाया, सेकंड गियर लगाया, ये चले सेकंड गियर में, फिर वापस पूरा क्लच दबाया एज तक, ये दबा क्लच, फिर ऐसे न्यूट्रल, फिर थर्ड गियर, फिर थोड़ी सी रेस ली, फिर वापस पूरा क्लच दबाया और सीधा ये फोर्थ, मैं गियरों के बारे में बता रहा हूँ स्पीड के बारे में याद रखना, सीधा फोर लग गया, फिर सीधी रेस ली, पूरा क्लच दबाया और न्यूट्रल करने के बाद सीधा आगे गया फाइव, पूरा क्लच दबा के फिर वापस सेकेंड। अब आपको जो मैंने स्पीड की वीडियो डाली है, मैंने पहले भी उसमें डाली अपने गाड़ी चैनल पे, फर्स्ट गियर की स्पीड होती है 10, लेकिन अगर हमने सेकेंड लगाना तो उसको करना पड़ेगा 15। ठीक है, लेकिन सेकंड गियर की स्पीड होती है चलने के लिए 20, 20 से ऊपर चलेंगे तो ओवर रेस होगी, वो तेल खाएगी, इंजन में फर्क पड़ता है, लेकिन अगर हमने तीसरा लगाना है तो करना है उसको 25। वैसे थर्ड की स्पीड होती है 30, लेकिन जब हमने लगाना है चौथा तो उसको करना है 35। फोर की होती है 40, लेकिन जब हमने लगाना है पांचवा तो करना है उसको 45। तो ये गियर की अलग अलग है, चलने की स्पीड अलग है, गियर चेंज करने की अलग है। कभी भी गियर चेंज करना है तो 5 की स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि मोशन टूट जाता है।
दिल्ली चंडीगढ़ थोड़ी ना है, बस पहले चले दूसरे तीसरे पे रेड थी क्लच छोड़ा चल पड़ी गाड़ी, नहीं यहाँ पे आपको रेस की जरूरत लेनी पड़ेगी, तालमेल बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब रही बात अकड़ने की, जो आप लोग अकड़ते हो पूरा ऐसे पकड़ते हो जैसे स्टेयरिंग को कि उखाड़ देंगे, जैसे आप लोगों ने स्टेयरिंग पकड़ा है तो बस स्टेयरिंग पकड़ा तो आप गाड़ी सीखिए जोर से पकड़ने से, अरे गाड़ी नहीं सीखेंगे ठुक जाएंगे। हल्का पकड़ना है, हल्का बिल्कुल हल्का, हाथ का वजन होना चाहिए सिर्फ इसके ऊपर ऐसे, सिर्फ हाथ का, ये नहीं कि पूरा जोर लगाया, नहीं हाथ का वजन इतना ऐसे, और हाथ का वजन भी ऐसे होना चाहिए ऐसे, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं यहां रखते हैं हाथ ऐसे, इससे क्या होता है ब्रदर, पहली बात तो आपका बराबर नहीं, आपको पता ही नहीं किधर से काटना किधर क्या काटना कितना काटा आपने, एक नंबर टू, भगवान ना करे आपकी गाड़ी ठुक जाए कहीं, अगर ठुकती है ना तो अगर आपने हाथ रखे ना ऐसे तो ईयर बैग है यहाँ पे, ठीक है ऐसे रखे हैं तो ये पटाखा बजेगा इस पे, ठीक है हाथ को बराबर यहाँ पकड़ना है, यहाँ पे हाथ को पकड़ना है यहाँ पे बराबर ऐसे, ना कि ऐसे ऐसे पकड़ने से तो ये ईयर बैग यहाँ होता है, जैसे कहीं ठुकी ना हो, पर मैं बता रहा हूं अगर ठुकी ये खुलना इस पे बचना हो गया कांड, लेकिन हाथ अगर हमारा यहाँ है तो बाई चांस एयर बैग खुलेगा तो प्रॉपरली आप बच जाएंगे, बराबर पकड़ते यहाँ ऐसे ये पकड़ना है, काट दो।